शोले का ऑडिशन गुंदेला फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले स्थान तुलसी स्वरूप के बगल में बामदेव ऑफिस में बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया। गुंदेला प्रोडक्शन के बैनर तले पहली फिल्म आई प्रेम की रात फिल्म बन चुकी है, जिनके गाने यूट्यूब में वायरल हो चुके, जिसकी फिल्म दिनांक 26/1/2020 को पूरे भारत में रिलीज हो जाएगी। जो दूसरी फिल्म बुंदेली शोले का ऑडिशन हुआ है, जिसमें करीब 85 लड़के लड़कियां ने प्रतिभाग लिया, जिनमें से 40 से 50 लड़के लड़कियों को चयन हुआ, अन्य सहायक भूमिका में रहे। आज इस ऑडिशन में बुंदेला फिल्म प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर उपस्थित रहे और उन्होंने कहा, इस क्षेत्र की भाषा संस्कृत को विश्व स्तर पर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा रोजगार दे सके और आगे बढ़ सके। इस ऑडिशन में सहयोग में दीपक भारतीय का अतुल सहयोग रहा, साथ ही पुष्पेंद्र कुमार एवं आरसी योगा जी का बुंदेलखंड की भाषा पर ऑडिशन लेने के तौर तरीके का अच्छा योगदान रहा। साथ में रामस्वरूप शिव नारायण यादव, कैमरामैन करण सिंह, अशोक भारती, प्रमोद आजाद, जगमोहन, राजू भाई आनंद, सभी का बहुत ही सहयोग, अन्य सभी लोगों का एवं बांदा की मीडिया प्रभारी पत्रकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान कल्पना, प्रकाश, प्रदीप, प्रेम, बच्चा, रजनीश, आनंद इनका बहुत अच्छा प्रतिभाग किया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र शुक्ला जी, और आई प्रेम की रात जो मूवी बनी है, मैंने ठाकुर विक्रम सिंह का रोल किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जो आज ऑडिशन यहाँ पर हो रहा है, तो आप काफ़ी क्षेत्र के देख रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर ऑडिशन पे आए हुए हैं, तो बच्चों को आप क्या रहना देना चाहेंगे और बुंदेली भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे जो सहयोगी साथी हैं, जो अशोक बुंदेला जी हैं, वो इस क्षेत्र में बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है, जो सब लोग हम चाहते हैं, हमारे क्षेत्र की जो दबी हुई प्रतिभाएँ, ऐसे लोग हैं जो फिल्म जगत में काम करना चाहते हैं, गायन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो इस बुंदेली फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से उनको एक अच्छा खासा काम करने का मौका मिलेगा और उसी विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम अपने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की जो भी प्रतिभाएँ हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वो आए और अपनी कला को आकर दिखाएं। कितने बच्चों को आप यहाँ ऑडिशन हुआ, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? लगभग 80 से 85 के आसपास आज ऑडिशन किया गया है, जिसमें करीब लगभग 40 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें कुछ गायन क्षेत्र से हैं, कुछ एक्टिंग से हैं और कुछ लोग जो है, मतलब तरह तरह की प्रतिभाओं से हैं, जैसे जोड़ो कराटा वगैरह, ये सब चीज़ें हैं और सभी फिल्म का काम पूर्ण होता है। नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक बुंदेला है। अच्छा, आज ऑडिशन यहाँ पर हुआ है बुंदेली भाषा में जी। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि काफ़ी फिल्में बनती हैं, आप बुंदेली भाषा पर इस फिल्म को लेकर आए हैं, तो किस फिल्म का ऑडिशन यहाँ पर हो रहा है और किस किस क्षेत्र में बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन होगा और किस प्रकार राह देना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी दूसरी फिल्म है बुंदेली शोले, आई प्रेम की रात पहले बन चुकी है और ये जो कलाकार आए हुए हैं, ये हमीरपुर से हैं, महोबा से हैं, चित्रकूट से हैं, अलग अलग क्षेत्र से, कुछ लोग छतरपुर से भी आए हैं। तो ये जितने भी लोग आए हैं, इन लोगों का जो उत्साह है इस क्षेत्र के प्रति, इस भाषा के प्रति, कि हम लोग काम करें और इस भाषा पर हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं, इसमें हम अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे, इसकी भाषा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और इसके मान सम्मान को दिखाना चाहेंगे। और जो बहुत सारी फिल्मों में उत्पटांग चीज़ दिखाई जाती हैं, हम ये चाहते हैं कि उनसे समाज बिगड़ रहा है और हम सामाजिकता पर एक अच्छी चीज़ें देना चाहेंगे। सर, आज ऑडिशन था, कितने बच्चों को आप लोगों ने दिया? आज लगभग 85 बच्चों का ऑडिशन हुआ है, जिसमें लगभग 40-45 बच्चे जो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें जूडो कराटे भी है, अब कुछ नए नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं उसमें से, जो हमारे फिल्म के लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। और ये बुंदेली शोले जो फिल्म बन रही है, ये बुंदेलखंड में ही बनाई जाएगी और बुंदेलखंड के एक विकास के लिए,
ताकि यहाँ की कुरीतियों को हम उजागर कर सकें। ये हमारे पीछे हैं अशोक बुंदेला जी, जो इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो भी हैं। पूरी टीम बैठी हुई है, हमारे शुक्ला जी हैं और उधर हमारे सभी लोग, पूरी टीम है। हमारे ये रामस्वरूप राही जी हैं, दीपेंद्र जी हैं अभी, और ये हैं पुष्पेंद्र भास्कर जी, हमारी पूरी टीम है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस ऑडिशन के बाद में अगले माह से लगभग हम शूटिंग शुरू कर दें, क्यों शुरू कर दी जाएगी। और जो भी कलाकार इसमें अच्छे काम कर रहे हैं उनको बढ़िया रोल, बाकी वैसे हम सब लोगों को काम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी का मन हतोत्साहित ना हो, और क्योंकि सहायक रोल भी बहुत होते हैं। इस तरीके से इस फिल्म को हम लोग तैयार करके और गुंजा